डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, और जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था एक तरह से देखें तो। और ये वाला 7 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 विच इज नॉन एज एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट टाइम जो 30% डिलीटेड आपका सिलेबस है उसमें इसको कट कर दिया गया है, तो उसको हम भी कट कर रहे हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 8 विच इज नॉन एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वो हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस चैप्टर में व्हाट इज हेल्थ, क्या बताएंगे आपको अबाउट द हेल्थ को WHO ने भी डिफाइन किया अपने तरीके से। WHO के अकॉर्डिंग क्या हेल्थ का मतलब है, टोटल वेलनेस। कौन कौन सी वेलनेस, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। कौन कौन सी वेलनेस होगी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो हेल्थ इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO है। अब हेल्थ जो है, हेल्थ कैसे प्रभावित होती है, मींस उस पर एडवर्स कौन कौन से इफेक्ट आते हैं जिससे कि कोई हेल्दी पर्सन वो अनहेल्दी या डिजीज उसको हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण है, एक तो जीन्स है, पहला क्या है डिफेक्ट इन जीन्स, पहला कारण हो सकता है डिफेक्ट इन जीन्स विच आर इनहेरिटेड। पहला कारण क्या होगा कि जैसे कोई जीन डिफेक्ट हुई, कोई भी प्रॉब्लम, म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोमल एबरेशन, कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली क्या होगा उसका जीन जो है वो डिफेक्ट हो गया। अब ये डिफेक्ट जीन की वजह से कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी, चाहे टर्नर, ग्लैंड फिल्टर्स, डाउन्स, पटाउन सिंड्रोम्स एक्सेट्रा होंगे। और ये सिंड्रोम आप जानते हैं बहुत से जो चेंजेस होंगे जीन्स में वो इनहेरिटेबल होंगे, मीन्स वो उन पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जरूर जाएंगे। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट्स, दूसरा कारण में क्या होगा, सेकेंड कॉज विल बी इन्फेक्शियस एजेंट्स। एंड यू नो दैट इन्फेक्शियस एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, पैथोजेंस। आपने देखा होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म्स एक्सेट्रा जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स में, प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज करते हैं। तो दीज एजेंट्स आर नोन एज इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेंस। ये बहुत बड़ा कारण होता है डिजीज का, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे आजकल जो चल रही है सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी विच इज नॉन एज COVID-19, वो भी पैथोजन के द्वारा ही, वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। तीसरी बात करेंगे अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तीसरा जो कारण बन सकता है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा लोगों को हार्ट अटैक बहुत होने लगे हैं, ऑबेसिटी बढ़ गई है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो काय की वजह से है, अवर लाइफ स्टाइल, ड्यू टू अवर लाइफ स्टाइल की वजह से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो जंक फूड है बहुत ज्यादा लिया जाता है, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा बहुत ज्यादा लिया जाता है, और आप जानते हैं कि ये जो होते हैं ये फैट ज्यादा होता है और
ये जो फैट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, हार्ट अटैक का भी ये कारण बनता है। इसके अलावा समय से नहीं सोना, एक जगह बैठे रहना, लोग साइकिलिंग बंद कर गए हैं, घूमने नहीं जाते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं होती है, तो क्या होगा अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होगी। इसके अलावा अगर देखें, जैसे अभी बात कर रहे थे प्रॉपर डाइट मेंटेनिंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हाइजीनिक का मतलब स्वच्छता से है कि अगर जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उन्होंने हाथ नहीं धुले हैं, अगर हाथ नहीं धुले हैं तो आप जानते होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे बैक्टीरिया से लेकर वायरसेस तक वो हमारे पाम हथेलियों में होंगे, और अगर हम उन्हें सैनिटाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स हमारे हाथों में होंगे वो थ्रू फूड वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे और कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न करेंगे। तो ये तो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की बात हो गई। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा वगैरह, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जो आपका अलग से एक सब्जेक्ट है उसको फॉलो करना चाहिए, मींस रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब आप जानते हैं, वैक्सीनेशन में आपने सुना होगा बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनाएंगे और वो पर्टिकुलर बीमारी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे DPT सुना होगा, वैक्सीनेशन में हम बात कर रहे थे गाइस की वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन में होता क्या है, वैक्सीनेशन जैसे DPT की बात कर रहे हैं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस एटसेट्रा, ये ट्रिपल वैक्सीन बोला जाता है, ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से एज वेल एज टिटनेस से। BCG लगाया जाता है, बैसिलस कॉलमेटोग्वेरिन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, पोलियो की ड्रॉप्स नहीं होगी, उन्हीं में ही आती है। तो एक तो ये है वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आपने देखा होगा घर के सामने अधिकांश गंदगी डली रहती है, तो गंदगी के होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि भाई आपके घर में जो भी डोमेस्टिक वेस्ट निकला, हाउस होल्ड वेस्ट निकला, उसका डिस्पोजल अगर प्रॉपर नहीं हो रहा, कि पता चले म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आ रही है उसमें डाल दो, पता चला कि हमने सड़क पे फेंक दिया तो पूरे बिखरेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, उससे बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो अगर हेल्दी रहना है तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो डोमेस्टिक या हाउस होल्ड वेस्ट हैं उनको, उनका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स कैन हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो बहुत सारी बातें आपको हमने बताई कि अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए कई बातें हो गई, उन बातों में एक बात ये भी है कि वैक्सीनेशन एक बता दिया, प्रॉपर डिस्पोजल का जो हाउस होल्ड डोमेस्टिक वेस्ट होगा उसको भी क्या करना होगा, प्रॉपर डिस्पोजल करवाना होगा, और लास्ट जो हम बताने जा रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। ये समझो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स है क्या, आपने हाउस फ्लाई सुनी होगी, हाउस फ्लाई का मतलब मस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई सेवरल जो डिजीज हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करती है, मींस ये वेक्टर का काम करती है। तो आप जानते हैं कि अगर वेक्टर नहीं होगा तो डिजीज भी नहीं होगी। अगर देखे बाजार में देख रहे हैं फल हैं, फल अगर प्रॉपर ढके नहीं है, अगर वो कटे हुए हैं और ढके नहीं हैं तो उनमें क्या होगा, मक्खियां बैठेंगी, अल्टीमेटली उनके जो लेग्स होंगे उनमें बहुत सारे माइक्रोब्स जो पहले से वो बहुत जगह बैठ के आती हैं तो उनके थ्रू उसमें ट्रांसफर होंगे, और जो भी हेल्दी पर्सन उसको खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहां पहुंच जाएंगे, उनके बॉडी में पहुंच जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या डिजीज करेंगे। ये तो हाउस फ्लाई की बात हो गई, हाउस फ्लाई के अलावा मॉस्किटो, मॉस्किटो
जैसे फीमेल एनोफिलीज की बात है, आप लोग होते हैं एनोफिलीज जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव एजेंट है, मलेरियल पैरासाइट का फैक्टर है, कह सकते हैं वेक्टर, इट इज द वेक्टर ऑफ मलेरियल पैरासाइट, और ये मलेरियल पैरासाइट का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज जो है वो नोन है, कौन कौन सी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओबेल। तो ये दिमाग में रखना कि जो बैक्टर्स हैं, अगर हम बैक्टर्स को किल कर दें, बैक्टर्स को हटा दें, तो बहुत सारी डिसीज नहीं होगी। तो इससे देखो यहां हम प्लाज्मोडियम भी लिख दे रहे हैं, विच इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, एथोजन क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, वेक्टर क्या हो गया, फीमेल एनोफिलीज हो गई। अकेला मलेरिया ही मच्छर नहीं फैलाते हैं, इसके अलावा मॉस्किटो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि डेंगू देखा होगा, ठीक है, डेंगू भी किसके थ्रू होता है, ये भी एडीज जो होता है, जो मॉस्किटो होता है उसके थ्रू पहुंचता है, जबकि एडीज, ये जो जब मॉस्किटो की बात कर रहे थे, मॉस्किटो तो केवल क्या है, वेक्टर है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, वायरस होता है डेंगू का, आप लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर हम वेक्टर्स को हटा दें, किल कर दें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हमने बताया प्रॉपर डाइट, मेंटेनिंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, प्रॉपर डाइट लेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, अगर उनका एक रीजनेबल प्रोपोर्शन जो होगा अगर वो लेंगे तो वो बैलेंस डाइट बोली जाएगी, और बैलेंस डाइट से आपने देखा होगा बॉडी फिट रहती है, मींस हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करता है। तो पहला, अगर जैसे आप किसी को हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने की शर्तें क्या क्या होगी, पहला होगा, हो गया प्रॉपर डाइट, दूसरी बात कर रहे थे हम मेंटेनिंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, मतलब सफाई स्वच्छता, वो अगर करेंगे तो भी हमें बीमारियां नहीं होंगी। रेगुलर एक्सरसाइज जिसे हमने योगा नाम दिया था, योगा या व्यायाम जिसे हिंदी में कहते हैं, वो भी करना चाहिए, तो उससे भी हम बचे रहेंगे। वैक्सीनेशन हो गया, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ये हो गया, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स में हमने बता दिया जो भी डिजीज को फैलाने वाले जो एजेंट्स हैं, स्प्रेड करने वाले होंगे, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनका कंट्रोल करना होगा, तभी हम बच सकते हैं डिजीज से। अब बात करेंगे बैक्टीरियल, इसके पहले और कई चीजें समझ लो, जैसे कि डिजीज विजार्ड ट्रांसमिटेड इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से कोई डिजीज स्प्रेड कर रही है तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। तो इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एग्जाम्पल होगा जैसे कि आपने सुना होगा इस समय जो सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस COVID-19 है, वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। मींस अगर आप COVID-19 के पेशेंट को छू लें या उसका जूठा हुआ कुछ धोखे से खा लें, मींस तो क्या होगा, ये डिजीज हो जाएगी। इवन अगर जैसे बात भी कर रहे हैं तो मास्क क्यों लगाते हैं, मास्क इसलिए लगाते हैं कि जब हम बोलते हैं तो वेपर्स निकलती है, और वेपर्स के साथ साथ क्या होगा, ये स्नीजिंग हो रही है, नीजिंग में छींक आती है तो क्या होता, पूरा का पूरा जो वेपर पूरे रूम में फैल जाती है, तो इसीलिए मास्क जरूरी है, ठीक है। तो ये तो बात चल रही थी किसकी, इन्फेक्शियस डिजीज की। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी डिजीज होंगी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूने से, खाना खाने से, एटसेट्रा से नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें डायबिटीज, डायबिटीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती है। कैंसर कभी नहीं होता,
हाइपरटेंशन दैट इज बीपी ब्लड प्रेशर ये भी नहीं होता। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, जो पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन नहीं होती। तो ध्यान रखना डिजीज कितने टाइप की हो जाएंगी, दो टाइप की। यहां देखो अगर ट्रांसमिशन के बेसिस पे देखें तो डिजीज हमने कितने टाइप की बताओ, दो टाइप की। देखो कौन कौन से बताए, जैसे डिजीज अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, तो डिजीज दो टाइप की हो जाएगी। पहली डिजीज को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज, इन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी तरफ क्या लिख देंगे हम, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कौन कौन सी हो गई। अब इसके एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड देखा होगा, कॉमन कोल्ड एक पर्सन से, अगर घर में किसी एक मेंबर को कॉमन कोल्ड है तो होने की संभावना रहती है रेस्ट ऑफ जितने मेंबर्स हैं उनमें भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू, इसके अलावा सार्स, मर्स, स्वाइन फ्लू, कौन कौन सी, स्वाइन फ्लू हो गया, सार्स हो गई, मर्स हो गई, ये कोविड 19, कोविड 19, प्लेग, टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी डिजीज के एग्जाम्पल हैं, ये सब कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा डायबिटीज। देखो डायबिटीज के अलावा बीपी दैट इज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, बीपी हो गया, और क्या हो जाएगा इसके अलावा, हमने बताया था कैंसर, क्या हो जाएगा कैंसर एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल में, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो हमने आपको ये बता दिया आज के लेक्चर में, हमने क्या क्या बता दिया, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO बता दी, और ये भी बता दिया कि हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो हेल्दी के लिए हमने बैलेंस डाइट के लिए बताया कि अगर डाइट बैलेंस है तो बॉडी कैसी रहेगी, फिट रहेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताई, हाइजीनिक, हाइजीन होना चाहिए, मीन स्वच्छता रखनी चाहिए, तो उससे भी होते हैं, हाथ हाथ प्रॉपर अगर धो लेंगे तो भी क्या होगा, डिजीज जनरली नहीं होगी। और क्या बताया था हमने आपको, इसके अलावा वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन भी एक तरीका है हेल्दी रहने का, और वेक्टर्स को कंट्रोल करना, जैसे मॉस्किटो से लेके हाउस फ्लाई की बात कर रहे थे, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अगर वो कंट्रोल रहेंगे तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। आपने प्रॉपर वेस्ट जो कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह होंगे उनका प्रॉपर डिस्पोजल होगा करना। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, योगा के बारे में बताया कि अगर ये भी होगा तो क्या होगा, और जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल भी ऐसा रखना चाहिए जो आपके लिए सही है। तो ये तो बातें हो गई। इसके अलावा हमने डिजीज
टाइप्स बताए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इन्फेक्शियस जो होगी कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये तो एक तरीका और होता है इसको डिवाइड करने का, एक्यूट एंड क्रॉनिक, वो हम बाद में बता देंगे। एक्यूट एंड क्रॉनिक, एक्यूट वो होंगी जो शॉर्ट टर्म के लिए होंगी। ये तो एक तरीका है ड्यूरेशन के लिए है, ट्रांसमिशन के बेसिस पे हमने बताया। वो ड्यूरेशन के बेसिस पे जब बताएंगे तो हम दो टाइप की बता देंगे, एक होगी एक्यूट जो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, कुछ समय के लिए होगी और उनका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट बाद में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि कॉमन कोल्ड वगैरह है, फीवर है, जनरल जो कॉमन फीवर होता है तो वो है इसका एग्जाम्पल एक्यूट का। अगर क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक में ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगी, कैंसर आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगी, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है और उनसे क्या देखने को मिलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। तो इसमें जो भी आगे हम बताएंगे आपको, कल हम ऐसा करेंगे बैक्टीरियल डिजीज बता देंगे। थैंक यू सो मच।